हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों ने अभी 11th के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे लास्ट कुछ टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं 12th में से, वो अब हम लोग लेंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कई सारे शब्द हैं जो आप सुनते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि आखिर ये सब शब्द हम किसके लिए यूज करें और आखिर है क्या ये। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम टेक्निक्स को यूज करते हैं। टेक्निक्स का मतलब क्या होता है? टेक्निक्स का मतलब ये होता है कि कोई मेथडोलॉजी, मेथड जिसको जिसको अप्लाई किया जाता है किसी डिजायर प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो टेक्निक्स जो है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनका यूज किया जाता है जिसके थ्रू हमें डिजायर, हमारा प्रोडक्ट हमें मिल सके। और वो डिजायर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे अवेलेबल, जो हम ये बोल रहे हैं कि मार्केट के अंदर अवेलेबल जो हमारी दवाइयां हैं वो हमारा डिजायर प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे कि इंसुलिन वगैरह है जो हमें चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स इतने हैं कि हमें इंसुलिन, क्योंकि उनकी बॉडी में नहीं बन रहा है तो हम चाहते हैं कि हम उसको बाहर से इंजेक्ट करें इंसुलिन। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये मार्केट में कमर्शियली हमें मिलता होगा, और मार्केट में वो चीज अवेलेबल हमें तब होगी जब उसका प्रोडक्शन होता होगा। लेकिन इंसुलिन आप जानते हैं कि उसको क्या है, हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त करना होता है। तो हमें क्या चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स को लगाएं जिसके थ्रू हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो लार्ज स्केल में मिल सके। जब वो हमें लार्ज स्केल में मिलेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, तभी तो हम उसको कमर्शियली सेल कर पाएंगे मार्केट में, और वो तभी हम ये बोल सकते हैं कि जो भी पेशेंट्स हैं उनको अवेलेबल हो सकेगा। तो हमारा डिजायर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। फॉर द एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? ईस्ट सेल जो होती है वो क्या करती है? शुगर को कन्वर्ट करती है अल्कोहल में। तो ये जो प्रोसेस है, ये भी, क्योंकि अल्कोहल भी मार्केट में कमर्शियली हम ये बोलते हैं कि लोगों का बहुत से ऐसा है कि वो बिल्कुल इंजीरियस है हेल्थ के लिए, बट उसके बावजूद भी वो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि अल्कोहल के और भी बहुत सारे यूज है लेबोरेटरीज में। तो वो अल्कोहल तभी मिल सकेगी जब उसका प्रोडक्शन हो सकेगा लार्ज स्केल पे। तो उसके लिए भी क्या है, कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के में हम ये टेक्निक्स को अप्लाई करें जिसके थ्रू हमें हमारा डिजायर प्रोडक्ट लार्ज स्केल में मिल सके, ठीक है। तो वो डिजायर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई टेक्निक्स को अप्लाई करना जिसकी वजह से हमारा डिजायर प्रोडक्ट हमें मिल सके, उसी को हम कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब बाकी जो आप शब्द यूज सुनते हैं, जैसे कि जीन क्लोनिंग, वो क्या है? वो एक तरह का टेक्निक है जो कि यूज में आती है बायोटेक के अंदर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो ए टेक्निक विच इज यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। इसी के साथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी वही शब्द है, टेक्नोलॉजी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ये सारी टेक्निक्स जो है वो यूज में आती हैं इनमें। इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं, कुछ जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो भी खुद भी एक टेक्निक पर ही काम करता है, वो भी क्या है, बायोटेक के अंदर यूज में लिया जाता है। इसके अलावा PCR, वो भी एक हम बोलते हैं टेक्निक पे ही काम करने वाला हम बोल रहे हैं कि इक्विपमेंट है, जिसको जिसका PCR का यूटिलाइज भी हम कहते हैं यूज होता है किसके अंदर, बायोटेक के अंदर। तो बायोटेक के अंदर कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रोसीजर्स है, उनको यूज में लिया जाता है। उसके साथ में कुछ इक्विपमेंट्स जो किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस हमें बोले टेक्निक पे काम कर रही होती है, उसको भी इसमें यूज किया जाता है। कुल मिला के बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि टेक्निक्स का यूज होना, ठीक है। इंजीनियरिंग वर्ड जो हम यूज में ला रहे हैं ना इसके अंदर, बायोटेक के अंदर, वो इसीलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग जो है ब्रांच जो है, उस ब्रांच के अंदर ये टेक्निक्स पे ही क्या होता है, काम हो रहा है। तो हम उन्हीं टेक्निक्स को अब हमने मर्ज कर दिया है बायोलॉजी के साथ में, ठीक है। तो यही है हमारी क्या, बायोटेक्नोलॉजी। अभी देखिए बायोटेक्नोलॉजी को और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो अभी तो आप वर्ड से ही समझ गए होंगे, बायो का मतलब हो गया बायोलॉजी यानी कि लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें टेक्नोलॉजी को जब अप्लाई किया तो साइंस की हमें ब्रांच मिली कौन सी, बायोटेक्नोलॉजी, ये ब्रांच हमें यहां पे मिल गई। आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल यानी कि इसके अंदर जो हम डिजायर, हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है, वो इंसुलिन हो सकता है, वो कुछ डिजायर करेक्टर्स हो सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमें चाहिए, वो ये कंडीशन हो सकती है।
तो हम बोल रहे हैं कि हम उन प्रिंसिपल को जिस पर ये उन प्रिंसिपल जिस पर ये बायोटेक्नोलॉजी में जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो और उनका पूरा प्रोसेस, टेक्निक्स को यूज करने का जो पूरा प्रोसेस है वो सभी चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो सिंपल शब्दों में बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डील करती है विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेसेस यूजफुल प्रोडक्ट्स यूजफुल टू ह्यूमन। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि कुछ टेक्निक्स को यूज करना है हमें ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म से हमारा डिजायर प्रोडक्ट को प्राप्त करना है और वो प्रोडक्ट खुद ह्यूमन जो है उनके लिए वो क्या है, यूजफुल है। यानी अभी हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बेनिफिट के लिए हमें कुछ डिजायर प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकता है, बट उसके लिए हम उस पर क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तभी हमें वो डिजायर प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे मिल पाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको इंसुलिन का देके समझाया है, ठीक है। तो उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कह रहे हैं, उस ब्रांच साइंस की उस ब्रांच को ही हम बायोटेक कह रहे हैं, जिसमें हम इन टेक्निक्स के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB वो क्या करती है, वो जो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न जो मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी उसको मिक्स कर रही है। ट्रेडिशनल का मतलब ये हो गया क्योंकि आप देखिए, आप जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है नॉर्मली भी आप करवा सकते हैं, यीस्ट सेल्स के थ्रू फर्मेंटेशन आप करवा सकते हैं, तो वो तो एक है ही, ट्रेडिशनल व्यू है फर्मेंटेशन का, ट्रेडिशनल आप प्रोसेस है, आप उसको यूज में ले सकते हो। इसी के साथ में आप लोग जो है, हम लोग मोलिकुलर बेसिस में, यानी कि जो जिसकी वजह हम ये बोले कि जो जीन होते हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं DNA में कुछ चेंजेस लाकर हम क्या कर सकते हैं, या हमारे डिजायर जीन को हम प्राप्त करके और किसी और होस्ट सेल के अंदर उसको इंसर्ट करवा के और फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा सकते हैं, तो ये भी एक हम बोल रहे हैं कि मेथड है, बट उसके अंदर हम ये बोले मोलिकुलर बेसिस हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर DNA पे काम कर रहे हैं। आप जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सबका जेनेटिक मटीरियल जो है सबका मोस्टली DNA होता है, जो आप बोल रहे हैं कि कुछ का RNA भी होता है, प्लांट वायरसेस जैसे हैं उनका RNA जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हम ये बोल रहे हैं मोस्टली सबका DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये हो गया कि उनके अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स वो हैं जो क्या करते हैं, किसी डिजायर प्रोटीन को बनाते हैं, और प्रोटीन एक्चुअल में है क्या, प्रोटीन ही तो है जो कोई भी तरह का फंक्शन परफॉर्म करवा रही है, प्रोटीन ही तो है जो क्या करती है, कोई करेक्टर को डेवलप करती है। तो हमें क्या चाहिए, वो डिजायर जीन जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रही है, हम उस जीन को क्या करें, या तो हम उसको किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट करवा दे, और पर्टिकुलर वो होस्ट जो है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई अगर होगा तो उसके साथ साथ में वो जीन भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, और उस जीन से मिलने वाली हमारी जो प्रोटीन है या जो प्रोडक्ट है वो भी हमें ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये मोलिकुलर बेसिस पे हमने काम किया, ये हमने लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर ये हमने फंक्शन ये काम किया। तो उन सब चीजों को मिक्स करके जो है EFB ने हमें एक जो डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयर ऑफ एंड द मोलिकुलर एनालॉगस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेस। ये जो है ना, ये आपको याद में ही रखना है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि आप मोलिकुलर बेसिस पे भी आप काम कर रहे हैं, बट आपका मेन फंडा क्या है, मेन फंडा तो उसी पे ही है, वो ट्रेडिशनल जो प्रोसेस चल रहे हैं उसी पर ही हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारी सारी टेक्निक्स जो है वो बेस्ड उन्हीं चीजों पर ही है, क्योंकि हमें फर्मेंटेशन के हम बोल रहे हैं कि रिजल्ट जो हमें अल्कोहल मिल रहा है, तो हमें अल्कोहल ही ज्यादा क्वांटिटी में क्या करना है, प्राप्त करना है, तो उसके लिए ही हम टेक्निक्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो हमने अब उसको मिक्स कर दिया है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम उन्हीं के बारे में क्या करते हैं, हम उन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी आपको समझ में आई। चलिए और देखिए, समझते हैं बायोटेक को। बायोटेक के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किन प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फर्स्ट देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक नया शब्द आया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, किसको बोलते हैं, तो ये वो टेक्निक्स है जिसको यूज किया जाता है DNA और RNA के अंदर चेंज लाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, अब इस चीज को अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझे कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि एक डोनर हमारा, हम ये मान रहे हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमारा डिजायर जीन है, यानी कि जो हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। मान लीजिए वो इंसुलिन ही हमें दे रहा है, तो मान लिया एक हमारे पास में डोनर, मान लिया हमने उसको कि एक हमारे पास में डोनर
कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और जिसके पास में उसके डीएनए के अंदर वो जीन है जो क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये जीन चाहिए। तो हमने कुछ टेक्निक्स ऐसे डेवलप की जिसकी वजह से हमने उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है उसमें चेंज लेके आया। चेंज कैसे आया, हमने हमारा डिजायर जीन जो है वो इससे प्राप्त किया, यहाँ से कट लगाया किसी एंजाइम को यूज करते हुए, ठीक है, उन एंजाइम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम के थ्रू हमने इसको कट किया, कट करके हमने इस डिजायर जीन को प्राप्त किया। अब हम इसको इंसर्ट कर देंगे, ये जो डिजायर हमारा जीन है इसको हमने इंसर्ट कर दिया डीएनए में, किसके डीएनए के अंदर, होस्ट, ठीक है। ये हम होस्ट चूज भी वो वाला करते हैं जो जब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है विद इन अ सेकेंड, बहुत ज्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं उसके अंदर, हम ये बोल सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा है। एसेक्सुअली हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन कर रहा होगा तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि एसेक्सुअल जो है थोड़ा सा फास्ट मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरियल सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स बाइनरी फ्यूजन करती है तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी लार्ज क्वांटिटी जो है ना बढ़ा लेती है, अपनी नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेती है कुछ मिनट्स के अंदर ही, कुछ आवर्स के अंदर ही, ठीक है। तो होस्ट सेल के अंदर हम उस डिजायर जीन को हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। अब जब हमने उसको इंसर्ट किया तो हमने क्या कर दिया, हमने उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाया कि नहीं, लेके आए, लेके आए बिल्कुल। अब ये जीन जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लीकेशन होने के साथ साथ में अब ये जीन जो है कि अपने आप को रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या हुआ, इसने अपना करेक्टर डेवलप किया, इसने अपना करेक्टर क्या डेवलप किया, इंसुलिन प्रोडक्शन का। तो हमने क्या किया, जितनी क्वांटिटी के अंदर होस्ट मल्टीप्लाई हुआ उतनी क्वांटिटी में जीन जो है वो भी मल्टीप्लाई हुआ। जीन की क्वांटिटी वो क्या है, नंबर ऑफ सेल जो है वो बढ़ गई, तो नंबर ऑफ सेल में हर सेल के अंदर जीन का जीन भी जो है वो भी उसके साथ साथ बढ़ा है। तो वो क्या करेंगे, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें हमारा रिजल्ट जो कि हमारा इंसुलिन था वो हमें क्या होगा, मिल जाएगा इस होस्ट के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया, टेक्निक्स को यूज करना। टेक्निक हम यूज करेंगे इसमें कौन कौन सी, हम इसमें टेक्निक यूज करेंगे जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको हम यूज कर रहे हैं, उससे हम कट लगाएंगे, ठीक है। इन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन हम क्या करते हैं, इस डिजायर जीन को हम इस होस्ट के अंदर हम बोले ट्रांसफर करवाते हैं, यानी कि हमें एक वेक्टर लेना होता है। वेक्टर जो होता है वो ट्रांसफर करने के लिए एक तरह से व्हीकल की तरह काम करता है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर लेना होगा, वेक्टर के अंदर हम उसको इंसर्ट करवाएंगे तो उसके लिए भी हमें कुछ एंजाइम्स को यूज करना होगा। देन हम उसको होस्ट सेल में एंटर करवा रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो होस्ट सेल के अंदर जो है हमारा डिजायर जीन उसके अंदर जाकर एंटर कर पाएगा, उसके खुद के होस्ट के डीएनए के साथ में जुड़ पाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम मल्टीप्लीकेशन अगर हमारे होस्ट सेल का करवा रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ हम बोल रहे हैं कि इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ टेक्निक्स चाहिए जिसके थ्रू उनका कल्चर भी हम ज्यादा क्वांटिटी में करवा सके। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये यानी ये सारी टेक्निक्स को हमने यूज किया है, क्या किस चीज के अंदर यूज किया, हमने वो डीएनए और आरएनए जो है उसकी केमिस्ट्री जो है उसको हमने चेंज किया है, ठीक है। और फिर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया इन टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, दस द चेंज ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, इससे होस्ट का फिनोटाइप जो है वो तो चेंज हो गई। ये तो मैंने एक चीज सिंपल सी आपको बताई है, इसी के साथ में अगर आप समझे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक प्लांट है जो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ग्रो करना है लेकिन उसके अंदर रेसिस्टेंसी नहीं प्रेजेंट है, तो हम क्या करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि उस प्लांट के अंदर रेसिस्टेंसी डेवलप हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें रेसिस्टेंसी डेवलप है तो उसके उस रेसिस्टेंट जीन को निकाल के और हमारे प्लांट के अंदर हमें इंसर्ट करवाना पड़ेगा। जब प्लांट के अंदर उस जीन, उसकी रेसिस्टेंसी डेवलप करने वाला जीन जब आ जाएगा तो वो प्लांट भी क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंट हो जाएगा। जैसे सूखे और पाला वाला पड़ जाता है तो इस चीज के लिए उसको लेके रेसिस्टेंसी डेवलप करवानी हो, तो वो रेसिस्टेंट जीन जब हमने क्या करवाया उसके अंदर डेवलप करवाया तो वो अब क्या हो गया, प्लांट रेसिस्टेंट हो गया। और जब वो प्लांट रेसिस्टेंट हो जाएगा तो वो ग्रो कर पाएगा, अब ज्यादा ग्रो करेगा तो हमें उसका जो हम बोलते हैं कि जो प्रोडक्शन है यानी उसके उससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिल पाएगा, राइट। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं, यानी टेक्निक्स को यूज करना ही क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस में काम होता है, यानी डीएनए एंड आरएनए जो है इसमें चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें डिजायर हमारा प्रोडक्ट मिल सके या डिजायर कैरेक्टर जो भी हमें प्लांट में या एनिमल में डेवलप करवाने हैं तो वो चीज हमें रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो वो हो गया इसका फर्स्ट प्रिंसिपल जेनेटिक इंजीनियरिंग। और उसी के साथ में सेकंड प्रिंसिपल जो इस पे काम करता है बायोटेक्नोलॉजी वो होता है स्टरलाइज कंडीशन। क्योंकि देखिए हम चाहते हैं क्या कि कोई और जो है दूसरी कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो ना करे, क्योंकि माइक्रोब्स जो है वो कहीं पे भी ग्रो कर जाते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे द्वारा किए गए जो
पूरा का पूरा वर्क है उसको खराब भी कर सकते हैं अगर कंटामिनेशन हो जाता है तो, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी ये डीएनए है कि हमने एक डोनर जो भी सेल है जिसे हमने वो जीन को लिया है, तो उससे जीन का लेना एंड देन उस जीन को हम बोल रहे हैं वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना एंड देन वेक्टर को होस्ट में इंसर्ट करना, तो ये जो पूरा प्रोसेस चलता रहता है, तो हम चाहते हैं कि ये इसी तरीके से चले, इसमें कंटामिनेशन जैसी चीज ना हो, तो हम स्टरलाइज एनवायरमेंट मेंटेन करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में स्टरलाइज एनवायरमेंट होना चाहिए। अब टिश्यू कल्चर है, मान लीजिए कोई टिश्यू है उसको हमें क्या करना है, कल्चर करना है, यानी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। कई बार होता है ना, कई प्लांट है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि एक प्लांट से हजारों प्लांट हमें मिल जाए, तो हम क्या करते हैं कि एक जो प्लांट है हमारे पास में उसकी कोई सेल लेते हैं, उस सेल के नंबर इंक्रीज कर लेते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। बट वो लेबोरेटरी में जब हम ये टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं, तो अगर कभी अगर ऐसा हुआ कि कोई माइक्रोब आकर हमारे उस डेवलपिंग टिश्यू जो है उसके साथ में ग्रो करने लगा, तो वो टिश्यू की ग्रोथ को तो रोक देगा और खुद की ग्रोथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा मेन, हमारा जो हम बोल रहे हैं मोटो है, वो कहीं खो जाता है। तो वो हमारा मोटो नहीं खो जाए ना, कि हमारा हम जिस चीज पर काम कर रहे हैं वही हमारा काम हो, माइक्रोब्स जो हैं या कोई और अदर ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ होनी शुरू ना हो जाए। तो उनकी ग्रोथ रोकना बहुत जरूरी है, तब हमारा टारगेट जो है वो हमें मिलेगा। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम स्टरलाइज कंडीशन रखेंगे, ताकि माइक्रोब्स जो है वो ग्रोथ अपनी शो ना करे और हमारे द्वारा किए गए कल्चर या किसी भी टेक्निक के थ्रू हमने जो काम किया है उस काम को वो खराब ना करे। तो स्टरलाइज कंडीशन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको बोला है। अब इसको देखो, आपकी बुक की भाषा में अगर देखें तो लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ स्टरलाइज माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक वैक्सीन एंड एंजाइम्स। तो हमें जो भी रिजल्ट मिलना है तो वो मिल सके। अब जैसे फॉर द एग्जाम्पल कि हमने इकोलाई की हम ग्रोथ करवा रहे हैं, अभी इकोलाई के साथ में कोई और अगर माइक्रोब है वो भी अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा, तो इकोलाई से जो हमें रिजल्ट मिलने वाला था वो रिजल्ट तो हमें मिलेगा नहीं, बजाय वहां पे किसी और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए कि जिस एनवायरमेंट में हम इकोलाई की ग्रोथ करवा रहे हैं वो स्टरलाइज एनवायरमेंट हो, ताकि वहां पे सिर्फ इकोलाई की ही ग्रोथ हो, उसके अलावा अनदर दूसरे बैक्टीरिया जो है वहां पर ग्रोथ ना करे। यानी कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस होना बहुत जरूरी है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो की टेक्निक्स हैं उनके साथ में, तभी बायोटेक्नोलॉजी का जो हमारा मेन हम बोलते हैं कि मोटो है वो फुलफिल हो पाएगा, यानी हमारा डिजायर प्रोडक्ट हमें तभी मिल पाएगा या डिजायर कैरेक्टर हम तभी डेवलप करवा पाएंगे जब कंटामिनेशन फ्री एनवायरमेंट रहेगा जहां पे हमने टेक्निक्स यूज की है या जिस जहां पे हम वो काम कर रहे हैं, है ना, लेबोरेटरी के अंदर जो है वो कंटामिनेशन फ्री एनवायरमेंट होना जरूरी है। चलिए समझ गए आप यहाँ पे। अब इसी के साथ में आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से समझिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने किसको बोला है। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम किसको बोल रहे हैं कि एक होस्ट है जिसके डीएनए के अंदर हमने चेंज लेके आना है, यानी डिजायर करेक्टर को डेवलप करवाना है। तो हमने क्या किया है, एक डोनर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वो हमारा डिजायर, हम ये बोल रहे हैं कि जीन प्रेजेंट है, ये उसके डीएनए के अंदर डिजायर जीन है। हमने इस डोनर से इस डिजायर जीन को लिया और उसको होस्ट के अंदर जब हमने क्या किया, इंसर्ट करवाया, तो अब होस्ट के जीन डीएनए के अंदर क्या आ गए, चेंजेस आ गए। बट इसकी वजह से अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल बना है हमारे डिजायर जीन के साथ में, इस डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें खुद होस्ट के खुद का डीएनए तो है ही, लेकिन उसके साथ में हमारे डिजायर जीन जो वाला जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो भी इंसर्ट हो चुका है। तो इस डीएनए को हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल को रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि नए वेरिएशन, नए करेक्टर आएंगे इसके खुद के करेक्टर के साथ साथ में, हमने जो जीन इंसर्ट किया है वो करेक्टर भी क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है, समझ में आया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो डेवलप करवाना, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या हुई, यानी कि वो टेक्निक्स जिसके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप करवा रहे हैं वो हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले कब बना, कैसे हुआ, तो देखिए स्टनले और जो हर्बर्ट है उसने सब 1972 के अंदर एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट जीन जो होता है, जो उसने प्राप्त किया था किससे, आपके साल्मोनेला से प्राप्त किया था, उसको इकोलाई के अंदर क्या किया, इंसर्ट करवाया और उसके थ्रू क्या किया उन्होंने, हम ये बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंसी डेवलप करवाई थी इकोलाई के अंदर, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। क्वेश्चन बन सकता है कि किसने करवाया, तो स्टनले ने करवाया था 1972 के अंदर, सॉरी स्टनले एंड हर्बर्ट ने, ठीक है, 1972 के अंदर। चलिए
अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे मिला इनको, ये देखिए साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम टाइफाइड जो के लिए जो हम ये बोल रहे हैं कि जो एजेंट होता है मेन जिसकी वजह से टाइफाइड हो रहा है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर क्या थी, रेसिस्टेंसी थी, तो इससे उस रेसिस्टेंट जीन को लिया और ईकोलाई के अंदर उसको इंसर्ट करवा के ईकोलाई के अंदर रेसिस्टेंसी जो है वो डेवलप करवाई, ठीक है। और हम ये बोले रेसिस्ट उसके लिए एंटीबायोटिक जो होती है ना रेसिस्टेंसी के लिए, तो वो एंटीबायोटिक जो है वो हमें प्राप्त हुई थी, तो वो जो है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था स्टैनली एंड बॉयर ने जो है हमें दिया, ठीक है। अब टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे हम हमें मिलेगा, तो उसके कौन कौन से टूल है, किन किन चीजों को यूज किया जाता है, तो देखिए एक तो क्या इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको यूज किया जाता है, कौन कौन से एंजाइम है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम, सबको समझ लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया किसी एक स्पेसिफिक, कोई ना कोई एक काम के लिए जब रेस्ट्रिक्टेड रहता है कोई चीज उसको हम बोल रहे हैं ना रेस्ट्रिक्शन की, हाँ ये पर्टिकुलर यही काम करेगा, तो वैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब हो गया ये वो एंजाइम है जो क्या कर रहे हैं कट लगाने का काम करते हैं, यानी कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल के हम बोलते हैं कि आप जानते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं, तो ये जो एंजाइम होते हैं ये एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर क्या करते हैं कट लगाते हैं जिससे कि डीएनए के फ्रेगमेंट जो है ना वो हमें मिल सके, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एक स्पेसिफिक साइट पर क्या करते हैं कट लगाते हैं, तभी तो हमें क्या मिलेगा हमारा डिजायर जीन जो है वो हम सेपरेट कर पाएंगे किससे, डोनर जो भी सेल है या फिर ऑर्गेनिज्म है उससे हम क्या कर पाएंगे उसको अलग कर पाएंगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसका यूज किया जाता है। दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम जो एम्पलीफाई कर सकते हैं हमारा जो डिजायर जीन है उसकी कॉपीज इंक्रीज करनी होती है, तो पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको यूज में लिया जाता है। लाइगेज क्या करता है, क्योंकि अभी जो हमारा डिजायर जीन है जिसको हमें होस्ट के अंदर इंसर्ट करवाना है उसके डीएनए के साथ, तो उसको जोड़वाने का काम जो है उसके होस्ट के डीएनए के साथ वो काम लाइगेज करेगा, तो लाइगेज एंजाइम यूज में लिए जाते हैं। इसके अलावा वेक्टर, वेक्टर जो होता है किसको बोलते हैं, वेक्टर एक व्हीकल की तरह काम करता है, जो किसी भी हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा डिजायर जीन है जो हमने एक डोनर ऑर्गेनिज्म से लिया है उसको लेकर क्या करेगा उसको होस्ट के अंदर इंसर्ट करवाने का, यानी कि उसको वहां तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। तो वो वेक्टर जो है वो भी क्या होता है, वो भी एक डीएनए का मॉलिक्यूल ही होता है, ठीक है, बट उसका मेन काम क्या है, उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो एक व्हीकल की तरह काम करेगा, जैसे कहीं एक स्कूल या कॉलेज आपको ड्रॉप करेगा, एक व्हीकल ऑटो रिक्शा या कोई भी हम बोले बाइक वगैरह है, आजकल ओला उबर बहुत चलती है, तो वो क्या है वो व्हीकल ही हो गया आपके लिए, वो आपके आपके घर से आपको उठाते हैं और आपके डेस्टिनी पे आपको पहुंचा देते हैं, तो वैसे वेक्टर भी काम करता है, जो हमारा डिजायर जीन है उसको ले अपने साथ में इंसर्ट करवाएगा और उसको ले जाकर होस्ट के अंदर उसको पहुंचा देगा, तो वेक्टर जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, और होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमारे डिजायर जीन जो है उसका जो प्रोडक्ट है उसको हमें डेवलप करवाना है या डिजायर जीन की कॉपीज हमें इंक्रीज करवानी है, कुछ भी हमारा मतलब टारगेट वर्क हो सकता है, ठीक है। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म ये तीन जो है मेन टूल है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको बोल रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक साइट पर जो है कट लगाते हैं उनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ये न्यूक्लियेजेस कहलाती है, इनकी जो क्लास होती है वो न्यूक्लियेजेस कहलाती है, क्योंकि ये डीएनए के अंदर हम बोले कि जो इनके अंदर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को तोड़ने का काम भी करिए, और उसी के साथ साथ में जो उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको भी तोड़ देते हैं ये, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं दो तरीके से हो सकता है, एक तो एक्सो न्यूक्लियस और दूसरा एंडो न्यूक्लियस, इनकी क्लास न्यूक्लियसेस हैं उसके हिसाब से। एक्सो का मतलब ये हो गया कि ये न्यूक्लियोटाइड को ही रिमूव करती है, ठीक है, बट किस कहां से रिमूव करती है, जैसे कि ये मान लीजिए डीएनए है ये 5' और ये 3' और ये हमने बोल दिया 5'-3' है, तो ये हमेशा लास्ट में कॉर्नर से यहां से हमने मान लिया कि ये ए है, ठीक है, ये एडिनिन थायमिन से ग्वानिन साइटोसिन ऐसे जुड़ रहा है, तो ये क्या करती है न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट कर देती है कहां से, एंड से, अगर यहां से सेपरेट करती भी जा रही है एंड से, जब वो क्या करती है एक न्यूक्लियोटाइड को दो न्यूक्लियोटाइड को आपका क्या है हटाती जा रही है, तो एंड पार्ट से जब वो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करती है डीएनए के, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं एक्सो। एंडो का मतलब ये हो गया कि वो डीएनए फ्रेगमेंट के मिडल में बीच में किसी स्पेसिफिक साइट पर कट लगाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एंडो न्यूक्लियस। तो डीएनए फ्रेगमेंट डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में कट लगाएगा एंडो, डीएनए के एंड में कट लगाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सो। तो दो तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन हम बोल रहे हैं किसी स्पेसिफिक साइट पर जो है कट लगाते हैं, तो ये कौन सी साइट पर कट लगाते हैं, ये पैलिंड्रोम हम बोलते हैं कि एक पैलिंड्रोमिक साइट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है वहां पर ये कट लगाते हैं, जैसे कि मलयालम एक एग्जांपल आपके दिया हुआ है, मलयालम को अगर आप आगे से पढ़ेंगे
और या फिर उसको पीछे से पढ़ेंगे, एक ही जैसा इसका क्या होती है, स्पेलिंग रहती है। तो ऐसी कोई साइट जिसके अंदर सीक्वेंस को जब हम पढ़ते हैं, या तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लिया कि ये है ए जी जी, है ना, हमने यहां से शुरू किया, फिर देन हम ये बोल रहे हैं कि टी टी सी, अगर हम यहां पे रखेंगे, सॉरी सी सी टी, तो अब ये सीक्वेंस जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, सी सी टी, देन ए जी जी एंड सी सी, एंड हम ये बोल रहे हैं कि टी, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये 5-3 बोल दीजिए, ये सीक्वेंस इस तरह से सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो पैलिंड्रोमिक साइट का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम पढ़ रहे हैं, अगर हम यहां से पढ़ेंगे तभी नाइट्रोजन जो बेसिस है उनकी सीक्वेंस जो है वो एग्जैक्टली वही होगी जो अगर हम लोग इस स्ट्रैंड पे जब हम पढ़ेंगे तो वो सेम सीक्वेंस मिलेगी। तो ऐसी साइट को, इसको जब उल्टा सीधा कहते हैं ना, पढ़ते हैं तब एक समान हमें मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट। तो ये एक हमेशा पैलिंड्रोमिक साइट जो होती है उसको पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसके कुछ आगे पीछे ही वो क्या करते हैं, कट लगाते हैं। मान लीजिए अगर वो कट यहां लगाए और यहां लगाए, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रैंड तो जो है ना आपका कट जाएगा यहीं से, और हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल, इधर डीएनए का फ्रेगमेंट मिलेगा, और एक ये डीएनए का फ्रेगमेंट जो है हमारा इस तरह से हमें मिलेगा, ये डीएनए का फ्रेगमेंट, यानी दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। तो हमेशा पैलिंड्रोमिक साइट को रिकॉग्नाइज करके उसके कुछ आगे या पीछे जो है ये हम कहते हैं कुछ दूरी पे उसके कट लगा देता है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडो न्यूक्लियस है तो ये मिडल में कट करेंगे, एक्सोन न्यूक्लियस है तो ये एकदम एंड में कट लगाएंगे, ठीक है। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इनका यूज किया जाता है किसके अंदर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप करने की टेक्निक को हम बोल रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए पैलिंड्रोमिक साइट जो है उसके अंदर किसको हम बोल रहे हैं वो आपको पता चल गया, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसकी क्लास को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अभी देखिए नेमिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था जिसको डिस्कवर किया गया, तो वो था हिंडसेकेट, ठीक है, ये याद रखिए, हिंड सेकेंड जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। अब देखिए जैसे इको RY13, अब ये भी क्या है, एक हम ये बोल रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो नेमिंग कैसे होती है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो हमेशा जो इनके फर्स्ट इको जो इनका वर्ड है ना, तो अब इसमें ई जो है वो क्या कर रहा है, वो इसके जिस भी बैक्टीरिया से इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्राप्त किया गया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जिस भी बैक्टीरिया से लिया है हमने, उसके हम बोलते हैं जीनस और स्पीशीज, उसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इको के अंदर ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेरेशिया जो उसका जेनेरिक नेम है, और सीओ जो है वो उसकी कोलाई, यानी उसके स्पीशीज जो नेम है, स्पेसिफिक नेम को उसको क्या कर रहा है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इको वर्ड बना। आर वाई जो है वो उसकी स्ट्रेन बताता है, आर वाई का मतलब क्या आ गया, आर का मतलब कॉलोनी जो है वो कैसी है, रफ है, ठीक है, तो रफ कॉलोनी है, इस वजह से आर जो है वर्ड यहाँ पे यूज किया। और 13 जो है कि जिसको हम ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर नंबर बताता है कि जिसको आइसोलेट किया गया ना, जिस सीक्वेंस के अंदर उसको आइसोलेट किया गया, तो उसको ये बताता है ऑर्डर इन विच एंजाइम इज आइसोलेटेड, जिस सीक्वेंस में, कि सबसे पहले किया तो 1 दे देंगे, बाद में किया तो ऐसा क्या करेंगे, 2 दे देंगे, इस तरीके से जो है इनकी नेमिंग जो है वो की जाती है, ऑर्डर इन विच एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम, ठीक है। बट अभी आप बोलोगे कि हिंड सेकंड दिया गया है, देखो नाम जो है ना हिंड सेकंड दिया है, तो यहां पर ये जो नेमिंग दी गई है ये देखिए थोड़ी सी डिफरेंट है ना, हिंड सेकंड को हम बोल रहे सबसे पहले डिस्कवर किया गया एंजाइम है, ठीक है। तो देखो ये नेमिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से की जाती है, इस पे काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अभी कैसे एक्शन करते हैं, तो ये देखो इको RY, इको R1 है, ये कैसे कर रहा है, इसके लिए जो पैलिंड्रोमिक साइट है वो क्या है, GAA TTC, ठीक है। कट कहाँ लगा रही है, ये देखो इसने कट लगाया, इको RY ने जो है कट लगाने की वजह से इनको क्या मिल गया, ये स्टिकी एंड मिल गया। स्टिकी एंड किसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये जब यहाँ से सेपरेट हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, तो ये कुछ नाइट्रोजन बेस जो है वो क्या हो गए, फ्री हो गए। सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या है, कुछ नाइट्रोजन बेस जो है वो क्या हो गए, फ्री हो गए। तो इस तरह से उनको क्या मिलते हैं, स्टिकी एंड्स मिल जाते हैं यहाँ पे। अब ये जो स्टिकी एंड्स होते हैं इसके थ्रू यहीं पे सेम ऐसा का ऐसा ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना, अगर ये यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये जिस भी डोनर है, मान लीजिए कि कोई डोनर है, उसके अंदर उसने डोनर यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिससे हम डिजायर जीन लेने वाले हैं, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पे जिस साइड पे कट लगाएगा, तो वही को वही एंजाइम, वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, जो भी हम वेक्टर है या फिर हमारा जो होस्ट सेल है जिसमें हमें इसको इंसर्ट करवाना है, उसमें भी वो उसी साइड पर ही क्या करेगा, कट लगाएगा। तो कट लगाने की वजह से जो हमें स्टिकी एंड मिलेंगे वो हमेशा हमें क्या मिलेंगे,
सिमिलर मिलेंगे, सिमिलर या फिर हम ये क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जब हम उनको जीन जो हमारा डिजायर जीन है उसको हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर में या होस्ट के डीएनए के अंदर उसको वहां इंसर्ट करवा सकते हैं, फिर से वो क्या हो जाएंगे, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और हम ये बोले लाइगेज एंजाइम के थ्रू जो है वहां पे फास्फोईस्टर बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टिकी एंड जो है इसी के थ्रू जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो डेवलप हो जाता है। ये देखिए इसके अंदर दिया गया कि ये हमने क्या लिया, इको आरवाई ने कट लगाया है। ठीक है, कोई भी हमें बोले कि जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर कट लगाया, तो उसकी वजह से हमें स्टिकी एंड मिल गया। सेम ऐसा ही वेक्टर डीएनए जो है उसके अंदर भी उसने सेम साइड पर ही कट लगाया, तो इसको भी हमें, इसमें भी हमें क्या मिला, स्टिकी एंड मिला। वो क्या था, किसका जैसा था, सेम टू सेम इनके अंदर सीक्वेंस प्रेजेंट थी, क्योंकि हम पढ़ते ना उल्टा सीधा एक समान है, दोनों के अंदर सीक्वेंस एकदम सेम है, सीक्वेंस सेम है, बट वैसे देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की है ना। इधर से पढ़ोगे तो ये ए ए टी टी है, और इधर से पढ़ोगे तब भी ये क्या है, ए ए टी टी है। देन ये क्या हो जाएगा, इस साइड पर आकर जुड़कर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइगेज ने क्या किया, एस्टर बॉन्ड बनवा दिए और बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से फिर क्या बन गया, एक डीएनए मॉलिक्यूल बना। और ये अब की बार इस डीएनए मॉलिक्यूल को हमने क्या बोला है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसको कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब वही है, फॉरेन डीएनए जो है उसमें से हमने डिजायर जीन को लिया, वेक्टर डीएनए, वेक्टर जो है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी डीएनए हो सकता है, मेनली जो होते हैं वो प्लाज्मिड ही होते हैं। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि उनके मेन जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ में क्या करता है, अपने आप को एम्प्लीफाई करता है। उस वेक्टर के अंदर हम उसको, अगर प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर अगर हम लोग लेते हैं, तो उस वेक्टर के अंदर क्या होती है, वो अपने आप की कॉपी खुद बना सकता है, अपनी हम ये बोले रेप्लीकेशन खुद का खुद कर सकता है। ठीक है, तो वो जो वेक्टर डीएनए है, यानी कि जो भी प्लाज्मिड है, जिस भी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के अंदर हमने उसको इंसर्ट करवा के क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त किया। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर हमने क्या किया, होस्ट सेल फिर कोई भी हो सकती है, जो जितनी ज्यादा मल्टीप्लाई करेगी वो उतना ज्यादा हमें क्या देगी, प्रोडक्ट देगी। तो हम कोशिश करते हैं होस्ट सेल हमेशा क्या हो, ज्यादा मल्टीप्लाई करने वाली हो। तो जैसे इकोलाई जो कि फास्ट क्या करती है, सेल डिवीजन कर रही है, तो उसके अंदर हमने उसको क्या कर दिया, इंसर्ट किया। वेक्टर जब यहाँ पे आया और उसने क्या किया, इसके अंदर जब वो हमने बोला कि इसके अंदर इंसर्ट कर दिया हमारा डिजायर जीन, तो जैसे जैसे हमारी इकोलाई ने क्या किया, डिवीजन किया, तो नंबर ऑफ हमारे डिजायर जीन भी जो है हर सेल के साथ बढ़ता जा रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी हमें क्या मिलता जा रहा है, ज्यादा मिलता जा रहा है। जैसा कि हम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है उससे रेस्ट्रिक्शन, हमें बोले कि उसे रेसिस्टेंसी के लिए जो है वो हम बोलते हैं उसमें रेसिस्टेंसी प्रेजेंट थी, तो हमने उससे एंटीबायोटिक जो है वो डेवलप की। वो एंटीबायोटिक कैसे डेवलप की, उसके रेसिस्टेंट जीन को लिया और उसको हमने इकोलाई के अंदर इंसर्ट करवा के एंड देन उसका प्रोडक्शन करवाया, ताकि हमें एंटीबायोटिक मिली, ताकि हम उसको एंटीबायोटिक का यूज जो है वो कर सके। ठीक है, तो एंटीबायोटिक प्राप्त की गई थी, तो वो भी सेम इसी मेथड से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मेथड से उसको प्राप्त किया था। तो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट लगाने के वजह से जो हमें फ्रैगमेंट मिलते हैं, उन फ्रैगमेंट को कैसे सेपरेट किया जाए, है ना, क्योंकि हमें तो हमारा डिजायर जो है ना वो जीन चाहिए, तो वो हमें कैसे मिलेगा, तो उसको यूज करने के लिए, उसके सेपरेशन और आइसोलेशन के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक को यूज किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के अंदर और कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो एक एग्रोस जेल जो है ना, हम बोलते हैं जेल का एक मीडियम लिया जाता है, जिसके अंदर एनोड जो है, और हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो पास किया जाता है, तो ये जो हम ये बोले एनोड साइड से ये जितने भी फ्रेगमेंट के जो हमें टुकड़े मिले, उन टुकड़ों को हम क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, और फिर चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, दूसरी साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, रन करेंगे। जो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, जल्दी से तेज रन करेगा। तो बस यही चीज है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटी छोटी वेल्स होती है जिसके अंदर वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रख दिया जाता है, एंड देन क्या किया जाता है, देन वही इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो है और उसी के साथ में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं साइज में, वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रन करते हुए पहुंच जाते हैं आगे, तो हमें कई बैंड मिलते हैं, तो उसमें हमें डीएनए के हमारे डिजायर जीन के जो फ्रेगमेंट है वो भी हमें मिल जाते हैं। अब इनको देखना हो अगर यूवी रेज के अंदर, तो ये हमें नॉर्मल, अगर हम इसको किसी स्ट्रेन से स्ट्रेन नहीं करेंगे तो हमें नजर नहीं आते, तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको हमें पहले इसको स्टेनिंग देनी पड़ती है। तो हम इसको क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है उसके साथ में हम इसको ट्रीट करते हैं, तभी अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर हमें नजर आता है, तो हमें पता चल जाता है ये हमारे डिजायर जीन वाले जो है हमें फ्रेगमेंट जो है उनको हम क्या कर लेते हैं, अलग 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 सेपरेट कर लेते हैं। तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है उस स्टेन से स्टेन करना बहुत जरूरी है यूवी रेज में देखने के लिए। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज किया जाता है। अभी देखिए वेक्टर के बारे में बात करें तो वेक्टर क्या होना चाहिए, वेक्टर एक तो सबसे पहली चीज वेक्टर जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा तभी हमारे डिजायर जीन को भी वो क्या करेगा रेप्लिकेट कर पाएगा। इसी के साथ में क्योंकि अब रेप्लिकेशन करना है तो उसके अंदर और हम बोलते हैं कि ORI साइट होनी चाहिए। ORI साइट का मतलब हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला हो। तो ये मान लिया क्लोनिंग वेक्टर है, वेक्टर नॉर्मली प्लाज्मिड ही होता है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हम बोल रहे हैं DNA, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक ORI साइट होनी चाहिए जहां से हम बोल रहे हैं रेप्लिकेशन जो है वो हम कह रहे हैं कि इनिशिएट होता है। इसी के साथ में हम ये बोल रहे हैं कि जो वो वेक्टर होता है उसके अंदर हम ये बोले सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब हो गया कि वो किसी भी एंटीबायोटिक के लिए या तो रेसिस्टेंसी जो है उसको शो करता हो या किसी स्पेसिफिक प्रकार का वो कलर देता हो, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो इस तरह की साइट होनी चाहिए और वो साइट जो है वो हमारे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उन साइट को जो है उनमें कट लगाया जा सकता हो, ठीक है ना। तो वो कट लगेगा तभी उस पर्टिकुलर साइट को जो है जो किसी एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस है तो उसको वहां से रिमूव कर दिया जा सकता है और वहां पर इंसर्ट कर दिया जा सकता है हमारा डिजायर जी। जैसे फॉर द एग्जांपल ये वो साइट है जो कि हम ये बोल रहे हैं कि क्लोरेम्फेनिकोल जो है एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट है, बट यही सेम साइट जो है हम ये बोल रहे हैं कि वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए भी यहाँ पर क्या है साइट प्रेजेंट है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा यहाँ पे कट लगा के और इसको सेपरेट कर देगा। अब यहाँ पर अगर हमने क्या किया, इस जगह हमने हमारा डिजायर्ड जीन जो है उसको इंसर्ट करवा दिया, तो क्या होगा अब इसके अंदर क्लोरेम्फेनिकोल के लिए हम बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंसी प्रेजेंट नहीं होगी। जब इसमें क्लोरेम्फेनिकोल के लिए रेसिस्टेंसी नहीं होगी तो ऐसा मीडियम जिसमें क्लोरेम्फेनिकोल है उसमें ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें पता चल गया कि अभी रिकॉम्बिनेट DNA जो है वो डेवलप हो गए हैं ना, ये प्लाज्मिड जो है वो क्या हो गया रिकॉम्बिनेट हो गया है, इसमें जीन इंसर्ट हो गया है। तो सेलेक्टेबल मार्कर किसको बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर वही है ताकि हम नॉन रिकॉम्बिनेट और रिकॉम्बिनेट DNA उनको सेपरेट कर सके। तो उसमें क्लियर कट हमें कुछ करेक्टर्स है जो शो होने चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल जैसे किसी एंजाइम के लिए कोड करता हो अगर ये एरिया और इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने हटा दिया और यहां जीन आके इंसर्ट हो गया, तो वो पर्टिकुलर कलर जो यहां पे एंजाइम के डेवलपमेंट की वजह से डेवलप हो रहा था, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है उसको ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो कोड करती है, अगर ये यहां से सीक्वेंस हट गई और यहां डिजायर जीन आ गया हमारा जो भी जिसकी भी हमें कॉपी बनानी है, तो ये क्या बन गया रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया। रिकॉम्बिनेंट DNA जब ये बन जाएगा तो ये क्या करेगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम डेवलप नहीं करेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं आएगा तो कॉलोनी जो है वो ब्लू कलर की नहीं होगी। तो ब्लू कलर की नहीं हुई, कलर लेस हुई, तो हम समझ जाएंगे कि अब इसके अंदर क्या है, इस पर्टिकुलर हमारे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो रिकॉम्बिनेंट DNA प्रेजेंट है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट DNA को सेपरेट करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके वही हम बोल रहे हैं कि इसमें कई सारी क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट का मतलब यही है कि कई तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उससे उसमें कट लगाना पॉसिबल हो, है ना। जब कई सारे एंजाइम से कट लगाना पॉसिबल होगा तो हमारे हम ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा क्लोनिंग साइट होने की वजह से पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी अलग अलग डोनर सेल्स जो हैं उनसे डिजायर जीन को वैक्टर के अंदर इंसर्ट करवाने की, ठीक है। और प्लांट के अंदर अगर हम बात करते हैं कि वेक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर वेक्टर कौन होता है, जैसे एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है TI प्लाज्मिड जो होता है वो क्या करता है, ये TI प्लाज्मिड एक्चुअल में ट्यूमर क्रिएट करता है। तो फिर अगर हम इसके ट्यूमर क्रिएट करने वाली कंडीशन को हटा दें, बट इसके अंदर क्या है, इस एग्रो बैक्टीरियम के अंदर क्या कंडीशन है कि ये जाकर प्लांट के अंदर ट्यूमर क्रिएट करेगा ही करेगा, तो इसको इजीली ये अपना जो DNA है उसको प्लांट के DNA के साथ में क्या कर देता है, उसके साथ में मर्ज कर देता है, तो ये कंडीशन ईजी रहती है। तो एक हम ये बोल रहे हैं कि वेक्टर हमेशा अच्छा वही होता है जो आसानी से होस्ट के अंदर जो है उसके होस्ट के DNA के साथ में जुड़ सके, वहां जाके जुड़ने की उसकी क्या है हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी अच्छी हो। तो किसी भी डिजीज कोजिंग अगर किसी बैक्टीरिया को माइक्रोब को का अगर हम प्लाज्मिड लेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो TI प्लाज्मिड होता है ये ट्यूमर क्रिएट करता है प्लांट्स के अंदर, तो ये प्लाज्मिड आसानी से प्लांट के अंदर जाकर क्या कर सकता है अपने DNA को उसके प्लांट के DNA के साथ में इंसर्ट करवा सकता है, यानी कि वेक्टर की जो हमारा डिजायर जीन है उसके ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है। तो ये अच्छा एक क्या हो गया वेक्टर हो गया, तो ये प्लांट जो है प्लांट के लिए वेक्टर है। वैसे ही रिट्रोवायरस एनिमल के लिए, क्योंकि रिट्रोवायरस क्या होता है हम ये बोल रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर उनके जेनेटिक मटीरियल के साथ में जाकर आसानी से जुड़ जाता है, तो रिट्रोवायरस जो है वो एनिमल्स के अंदर एक अच्छा वेक्टर है, ठीक है। चलिए इसके साथ में अभी देखिए
जैसे कि ये आ गया आपका PBR 322 जो लेबोरेटरी में बनाया गया, हम ये बोल रहे हैं कि आपका वेक्टर है। अब इस वेक्टर इसमें देखोगे तो ORI जो है ये रेप्लिकेशन साइट है। इसके अलावा देखो इसमें कई सारे एंडोन्यूक्लियस जो हम बोल रहे हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उनके लिए साइट यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। जैसे कि ये BAM-H1 के लिए, HIND-3 के लिए, ECO-R1, ECO-RI के लिए, इस तरह से कई सबके लिए क्या है यहाँ पर साइट प्रेजेंट है। तो देखिए क्लोनिंग साइट हमारे पास में यहाँ कई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए है। इसी के साथ में सेलेक्टेबल मार्कर भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये एम्फीसिलिन के लिए और ये टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, रेसिस्टेंसी डेवलप करती है। और ये रोप जो है वो एक्चुअल में वो ये जो हम बोल रहे हैं जीन जो है वो प्रोटीन बनाते हैं जो रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो रोप जो है वो एरिया है। अब मान लीजिए फॉर द एग्जांपल के लिए कि ये BAM-H1 जो है ये उस साइट पर कट लगाता है जहां पर टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंसी वाले जीन है। अब इसने यहाँ पे कट लगा दिया मान लीजिए, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंसी वाले जीन तो यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो डिजायर जीन है वो यहाँ के आके जुड़ गया। ठीक है, जब वो यहाँ आके जुड़ जाएगा तो इस पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कभी भी टेट्रासाइक्लिन वाले जो मीडियम होता है उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगा, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट अगर होगा तो वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे वो जो वेक्टर है वो क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। वेक्टर वाला जो भी बैक्टीरिया है वो क्या कर पाएगा, वहां ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके अंदर क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर भी प्रेजेंट है। इसी तरह से PUC जो 8 होता है इसके अंदर क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो एंजाइम डेवलप करने वाली साइट होती है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कोड करने वाली जीन की जगह अगर डिजायर जीन हमारा लग जुड़ जाता है तो रिकॉम्बिनेट डेवलप हो जाएगा। रिकॉम्बिनेट डेवलप हो जाएगा तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को फॉर्म नहीं करेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अगर फॉर्म नहीं होगा तो कलर जो आता है कॉलोनी में ब्लू कलर वो डेवलप नहीं होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि रिकॉम्बिनेट डीएनए जो है वो हमारा डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये वेक्टर के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर का होना बहुत जरूरी है और ये एक तरह से सेलेक्टेबल मार्कर है। चलिए अब प्रोसेस की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है। वैसे तो सिंपल आसान शब्दों में मैंने बता दिया कि सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं जीन को। अब जीन को आइसोलेट दो जगह से कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, एक तो हमारा जो भी डोनर ऑर्गेनिज्म है जिससे हमारा डिजायर जीन लेना है हमने वहां से सेपरेट किया, उसके लिए हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट लगाएंगे। सेम उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट लगाएंगे हम हमारे वेक्टर के अंदर भी, ताकि वेक्टर के अंदर हमारे डिजायर जीन को हम क्या कर सके, जोड़ सके। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब उसके लिए हमें आइसोलेट करना जरूरी है, किसको, हमारे जेनेटिक मटेरियल को डोनर ऑर्गेनिज्म से। अब वो डोनर कोई भी सेल हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सेल जो है प्लांट अगर सेल वॉल है तो उसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, उसके अलावा अनदर हम ये बोल रहे हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो भी प्रेजेंट है। तो हमें उनको कई डिफरेंट एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा तभी हम डीएनए के मॉलिक्यूल को सेपरेट कर पाएंगे। तो पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्री कट लगाने से पहले हमें हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक मटीरियल भी तो आइसोलेट करना पड़ेगा ना। तो हम आइसोलेट कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया है, डीएनए जो कि जिससे भी हमें आइसोलेट करना है उसको हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हमने उसको क्या किया, कई एंजाइम है अलग अलग, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल से अगर डीएनए ले रहे हैं तो उसको लाइसोजाइम से हमने ट्रीट किया। प्लांट है तो उसको सेलुलोज से, फंजाई की से अगर कोई उससे डीएनए ले रहे हैं तो काइटिनेज से, एंड फिर उसमें प्रेजेंट आरएनए मॉलिक्यूल है उनको, उनका ब्रेकडाउन तोड़ने के लिए उसको राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट किया। प्रोटीन उसमें जो प्रेजेंट होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट किया। देन हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्यूरिफाइड जो डीएनए है वो हमें मिल जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल जो है उससे ट्रीट करेंगे, ताकि कुछ और अगर उसके ऊपर कुछ और हम बोल रहे हैं कि अनदर कुछ पार्टिकल्स अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो सब भी क्या हो जाएंगे, उससे साफ हो जाएंगे और डीएनए जो है वो हमें हमें हमारा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे जो डिजायर जीन वाला जो डीएनए है उसको हम आइसोलेट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, आइसोलेशन होगा। आइसोलेशन के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाते हैं और कट लगा के हमें फ्रेगमेंट मिलते हैं। उन फ्रेगमेंट्स को हम उनमें से भी क्या करते हैं, हमारा डिजायर जीन वाले को की सिक्वेंस को लेने के लिए हम क्या करते हैं, उन फ्रेगमेंट्स को हम ये बोलते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाते हैं। तब हमें वहां पे कई सारे डीएनए के फ्रेगमेंट जो है अलग 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 जगह पर हमें मिल जाते हैं। उसमें से हम क्या करते हैं, हमारे जो डिजायर जीन वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और वो एक्चुअल में होते हैं हमेशा क्या है,
हम वो हमेशा लो मोलिकुलर वेट वाले और हम ये बोलते हैं स्मॉल साइज वाले जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, फिर सेपरेट करने के बाद भी हमें क्या चाहिए, हमारा जो डिजायर जीन है उसको हम एम्पलीफाई कर ले ना, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करवा ले। तो उसको इंक्रीज करवाने के लिए हम पीसीआर जो होता है एक टेक्निक उसमें रन करवाते हैं। पीसीआर एक्चुअल में टेम्परेचर बेस्ड टेक्निक होती है। अब इसमें हम कैसे करते हैं, इस टेक्निक को कैसे यूज में लेके आते हैं, देखिए ये डीएनए का वो छोटा सा फ्रेगमेंट है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रन करवा के हमने सेपरेट कर लिया। अब हमें ये चाहिए है ना, अभी ये सीक्वेंस जो इसको एम्पलीफाई करना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस डीएनए के, इसमें पीसीआर के अंदर तीन हम बोलते हैं कि स्टेप्स हैं, पहला आता है डीनेचुरेशन, फिर आता है एनिलिंग और फिर आता है एक्सटेंशन, ठीक है ना। अब देखो ये टेक्निक टेम्परेचर बेस्ड है, सबसे पहले डीनेचुरेशन प्रोसेस होगा, वो कैसे होगा, 94 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, हमें दोनों थ्रेड को सेपरेट करना है, दोनों थ्रेड सेपरेट हो गई, डीनेचुरेशन हुआ 94 डिग्री सेल्सियस पर, इतना टेम्परेचर हमने उसको दिया तो ये क्या हो गई, सेपरेट हो गई, डीनेचुरेशन हो गया। अब क्या है, क्योंकि हमें इसके ऊपर क्या करवाना है, दूसरा रेप्लिकेशन करवाना है, तो रेप्लिकेशन के लिए एक छोटा सा प्राइमर होना चाहिए जो इनिशिएट कर सके रेप्लिकेशन को। तो यहाँ पे प्राइमर जो है वो तभी जुड़ पाएगा, कब जुड़ेगा प्राइमर, जब यहाँ पर भाई टेम्परेचर जो है वो रखेंगे हम 50-60 डिग्री के बीच में, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि 50-60 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर होगा, तब यहाँ पे एक छोटा प्राइमर, हम ये बोलते हैं एक आरएनए मॉलिक्यूल आकर जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। आप ये जानते हो कि रेप्लिकेशन हमेशा 5-3 डायरेक्शन में होता है, तो इस तरीके से 5-3 डायरेक्शन में क्या होगा, प्राइमर आके जुड़ जाएगा। फिर देखिए टैग डीएनए पॉलीमरेज जो थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया जाता है, जो मैक्सिमम हम ये बोल रहे हैं कि जो हम बोलते हैं अबोव 90 डिग्री सेल्सियस भी वर्क कर पाता है, नॉर्मली एंजाइम जो है उनका डीनेचुरेशन हो जाता है, बट पॉलीमरेज जो है ना ये एक्टिविटी करवाने के लिए, यानी कि इसके आगे हम एक्सटेंशन करवाने के लिए आगे रेप्लिकेशन बढ़े और न्यूक्लियोटाइड आके जुड़े, उसके लिए हमें एक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 72। अभी देखिए 72 टेम्परेचर पे आने के लिए, इतने हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन ना हो एंजाइम, तो एंजाइम हमने प्राप्त किया है कहाँ से, थर्मस एक्वेटिकस से, जो हाई टेम्परेचर में भी काम कर रहा है। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन के बाद में हमें क्या मिल जाते हैं, एक डीएनए के मॉलिक्यूल से हमें दो डीएनए के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये इस तरीके से क्या होता है, एम्पलीफाई हम करवा सकते हैं। अगर 30 साइकिल पीसीआर के एक फ्रेगमेंट पे 30 पीसीआर साइकिल जो है अगर हम रन करवाते हैं तो हमें कितने मिलते हैं, 1 बिलियन जो है ना हमें कॉपीज जो है वो मिल जाती है डीएनए फ्रेगमेंट की। देखिए इतना आसान है, ठीक है। तो पीसीआर रन करवा के हम एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं हमारे डीएनए फ्रेगमेंट का। क्लियर आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट हमने पीसीआर से हमने जो करवा लिया है, अब हम उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ना वो डेवलप करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए कि सबसे पहले प्रिपेयर होनी चाहिए हमारी जो हम बोल रहे हैं कि होस्ट सेल जो है उसके अंदर, जब हम उसको फिर हम उसको क्या करेंगे, डीएनए को वेक्टर के साथ में इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। सॉरी ये स्टेप इसमें मिस है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि फिर हम उसको क्या करेंगे, वेक्टर के साथ में उसको इंसर्ट करवा देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ना वो डेवलप कर लेंगे। अब ये जो हमारा वेक्टर के साथ में जब हमने उसको इंसर्ट करवा दिया और वो जो रिकॉम्बिनेंट हमारा डीएनए उसको हमें होस्ट के अंदर क्या करना है, डालना है। अब होस्ट क्या है, जैसे बैक्टीरियल सेल है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, तो उसको पहले बैक्टीरिया सेल को हमें उसके लिए कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो उस वेक्टर को क्या कर सके, अपने अंदर ले सके। उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए क्या, ये जो बैक्टीरिया होता है इसको हम सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसका ट्रीटमेंट देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के ट्रीटमेंट की वजह से बैक्टीरिया जो हम ये बोलते हैं कि उसकी जो सेल वॉल होती है वो पोर्ड हो जाती है, पोर उसमें डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मिड जो है वो अंदर एंटर कर सके, ठीक है। फिर हम उसको हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक का मतलब ये हो गया कि हम उसको टेम्परेचर जो है ना बहुत ही कम टेम्परेचर जो है ना उसके ऊपर रखते हैं, फिर देन टेम्परेचर को एकदम से बढ़ा देते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं कम टेम्परेचर में रखते हैं, तो वो प्लाज्मिड जो होता है वो अंदर बैक्टीरिया जो होता है उसको अंदर जो है वो ले लेता है, ठीक है। तो इसके लिए हीट शॉक मेथड दिया जाता है रिकॉम्बिनेट डीएनए को, और प्लस हमारी जो बैक्टीरियल सेल है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइस पे रखते हैं, देन फिर हम उसको 40 हीट शॉक देते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया 2 मिनट के लिए, देन वापस से उसको आइस पे रखते हैं। तो ये हीट शॉक देने की वजह से क्या होता है कि वो बैक्टीरिया सेल क्या कर लेती है, रिकॉम्बिनेट डीएनए को ले लेती है, यानी प्लाज्मिड को अपने अंदर ले लेती है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अनदर मेथड जो है वो यूज किया जाता है जैसे माइक्रो इंजेक्शन, एक इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, डायरेक्टली सेल जो होती है उसके अंदर डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाता है, तो एनिमल सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट किया जा सकता है। बायोलिस्टिक गन या फिर जीन गन इसको बोलते हैं, ये गन की तरह होती है जिसके अंदर क्या करते हैं वो डीएनए जो होता है ना
आपके डीएनए होते हैं उनको हम ये बोलते हैं गोल्ड के साथ में या टंगस्टन के साथ में कोट करवा के, और हम उसको जैसे बंदूक को खींच के हम लोग दागते हैं ना कि गोले दाग रहे हैं, वैसे ही प्लांट सेल जो होती है उस पर दागते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है वो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो प्लांट सेल के अंदर जो है हम बोल रहे हैं कि वहां पर सुटेबल जो भी प्लांट है हमारा उसकी सेल के अंदर वो इंसर्ट हो जाता है। और दूसरा डिसआर्म करना पैथोजन को, जैसे टीआई प्लाज्मिड है क्योंकि वो डिजीज कॉज करते हैं या फिर रिट्रोवायरस है जो डिजीज कॉज करते हैं, तो उसके जो डिजीज कॉजिंग हम बोल रहे हैं कि जो उनका डिजीज कॉज करने वाले जो जीन है उनको डिसआर्म किया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर जब हम उसको एज ए वेक्टर यूज करें टीआई, जैसे टीआई प्लाज्मिड को यूज किया तो उसका ट्यूमर क्रिएट करने वाला जो जीन है उसको हटा दिया जाए, जिसकी वजह से वो ट्यूमर तो क्रिएट नहीं करेगा बट वो डिजायर जीन को पहुंचा देगा होस्ट प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिसआर्म करना। तो ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल, तो वो सेल तो सेल को इन्फेक्ट करने जाएगी तो वो वहां पे अपने डिजायर जो डीएनए है उसको भी पहुंचा देगी। इसके बाद में है कल्चरिंग द होस्ट सेल इन न्यूट्रिटिव मीडियम। देखिए होता क्या है कि अब हमें क्या चाहिए, मान लीजिए कि वो इकोलाई है, इकोलाई का हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करवाना है तो हमें बायो रिएक्टर्स जो है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि हमें लार्ज स्केल में उनको उनका क्या करवाना है, प्रोडक्शन करवाना है ताकि हमें डिजायर प्रोडक्ट मिल सके। तो हमने क्या किया, वो जो भी हमारे हमारा होस्ट सेल है उसको बायो रिएक्टर के अंदर रखते हैं, और वो बायो रिएक्टर कुछ नहीं है, वो एक बड़े से हम बोलते हैं ना गो अपना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिटिव मीडिया जो है वो भरा रहता है। और इसके अलावा हम ये बोलते हैं कि स्टरलाइज्ड एयर जो होती है वो हम उसको पास करते हैं, इसका पीएच भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना जो ऑप्टिमम पीएच है वो भी हम इसका कंट्रोल कर देंगे, और इसी के साथ में इनको जो भी न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए वो भी हम इनको प्रोवाइड करेंगे, इनको स्टरलाइज एयर जो होती है फॉर द रेस्पिरेशन वो भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे, और स्टीम जो है वो भी हम इसको देंगे ताकि स्टरलाइज एनवायरमेंट मेंटेन रहे। तो इस हम बोलते हैं ना हमारे द्वारा एक एम्बियंस ऐसा क्रिएट किया जाता है जिसमें वो अपना कल्चर कर सके, यानी कि अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सके बाय द सेल डिवीजन, बट एनवायरमेंट कैसा रहे, स्टरलाइज, जिसकी वजह से कोई और माइक्रोब वहां पे ग्रोथ नहीं करे। तो जितनी क्वांटिटी के अंदर जब ये बढ़ेंगे तो उसके साथ में हमारा डिजायर जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में हमने इंसुलिन प्रोड्यूस की है, तो जैसे जैसे इकोलाई जो है वो क्या करेगा यहाँ पे ग्रोथ करेगा, तो उसमें प्रेजेंट जो उनका हमारा डिजायर जीन जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, एंड देन वो इंसुलिन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो अब हमारे पास में बल्क में मिलेगा क्या, एक तो इकोलाई सेल प्लस इंसुलिन भी उसमें प्रेजेंट होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा हमारे डिजायर प्रोडक्ट को प्राप्त करना। तो डिजायर जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम पहले सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेल्स अलग हो जाएंगे, लिक्विड अलग हो जाएगा, देन लिक्विड जो हमें मिला उसका प्यूरीफाई करेंगे, प्यूरीफाई करने से हमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा, और उस प्रोडक्ट को अगर मार्केट में कमर्शियली बेचना है तो हम उसकी पैकेजिंग करवा के और उसको लार्ज स्केल में हम उसको क्या कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हैं ताकि उसका यूज हो सके। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करके हम हमारे बोलते हैं ना वांछनीय जो उत्पाद होते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और उसमें किए जाने वाले प्रोसेस, ठीक है। कुछ और चीजें भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या क्या चीजें जो हैं वो करवा सकते हैं, तो इनके जो एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बट इन सारे चीजों में से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं तो ये कुछ है हमारे फॉलो अप क्वेश्चन जिनके आंसर आपको करने हैं, ठीक है। तो ये फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और मुझे इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया बायोटेक। तो इनके कमेंट सेक्शन आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले। तो सिंपल है, क्या क्या चीजें हैं पहले आप लोग याद करिए, ये सब अलग अलग डेफिनेशंस याद कर लीजिए। जीन क्लोनिंग क्या है, जीन की कॉपीज को इंक्रीज करवाना, दैट इज जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग आप कैसे करोगे, आप डोनर से जीन को लोगे, वेक्टर के अंदर उसको इंसर्ट करोगे, वेक्टर को होस्ट में ट्रांसफर करोगे, होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगी तो जीन भी क्लोन हो जाएगा, तो ये जीन क्लोनिंग है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसको बोला, कि आपने डिजायर जीन को लिया डोनर सेल से और उसको हमने इंसर्ट करवा दिया वेक्टर के अंदर, दैट इज जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया उसको हमने बोला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, वो जो हमारा नया तरह का रिकॉम्बिनेंट। और तो इस तरह की जो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने क्या किया, हमारे डिजायर जीन को लिया एंड देन उसमें इंसर्ट करवाया, तो वो पूरी जो टेक्निक है उसको हमने बोल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो ये सारी टेक्निक्स ही आ जाएंगी।
जितनी भी हैं जिसमें सब इंक्लूडेड है, चाहे पीसीआर हो, चाहे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, चाहे किस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज हो, तो ये सभी चीजें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, यूज में आती हैं। तो इन सभी को कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल देते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे डिजायर प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।